नमस्कार, फिल्मी बीट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कृतिका वर्मा। अजमेर शरीफ की दरगाह में माथा टेकने पहुंची दीपिका कक्कड़, साथ में नजर आए पति शोएब इब्राहिम। टीवी की जानी मानी अदाकारा दीपिका कक्कड़ ने हाल ही में बिग बॉस का खिताब अपने नाम किया था। इस शो के जरिए लगातार 3-4 महीने से दीपिका खबरों का हिस्सा बनी हुई थी और शो खत्म होने के बाद से वो किसी न किसी वजह से चर्चा में आ ही जाती है। इस शो के खत्म होते ही जब दीपिका ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि वो अजमेर शरीफ जरूर जाना चाहती है क्योंकि उन्होंने कुछ मन्नत मांगी थी और अब वो पूरी हो चुकी है। बता दें कि बीते दिनों ही दीपिका ने अपनी इस ख्वाहिश को पूरा कर लिया है। जी हां, हमारे हाथ दीपिका की नई तस्वीरें लगी हैं, जिन तस्वीरों में दीपिका अजमेर शरीफ की दरगाह के बाहर खड़ी दिखाई दी। इस तस्वीर को खुद दीपिका ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है। इस तस्वीर को शेयर करते हुए दीपिका ने कैप्शन में लिखा है कि उन्हें जो कुछ भी मिला है सब उन्हीं की देन है और इस वजह से वो उनका शुक्रिया अदा भी करना चाहती है। इसी के साथ एक और तस्वीर जो अब हमारे हाथ लगी है, उस तस्वीर में दीपिका अजमेर शरीफ की दरगाह में चादर चढ़ाती नजर आ रही हैं। सामने आई इस तस्वीर में दीपिका सफेद रंग के सलवार सूट में नजर आई। उन्होंने अपने आसमानी रंग के दुपट्टे को बड़ी ही खूबसूरती से अपने सर पर ओढ़ा हुआ है। खास बात ये कि इस तस्वीर में दीपिका के साथ उनके पति शोएब इब्राहिम भी दिखाई दिए। आपको बता दें, बीते साल शोएब के साथ दीपिका शादी के बंधन में बंधी थी और अब 22 फरवरी को दीपिका और शोएब की पहली शादी की सालगिरह भी आने वाली है और इन दोनों ने अपनी पहली सालगिरह के लिए कई तैयारियां भी कर ली है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।